एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है सोनू सिंह YouTube चैनल पर एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेनर के बारे में कि स्ट्रेनर क्या होता है, स्ट्रेनर का मेंटेनेंस किस प्रकार किया जाता है, और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि एक सही तरीका क्या होता है किसी भी स्ट्रेनर को क्लीन करने का। तो वीडियो को बिना स्कीप किए शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि कुछ भी छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर किसी वीडियो में मैं ना भी बात करूं तो आपको चेक करना बिल्कुल जरूरी होता है। जैसे वर्क परमिट चेक करना, आप जहां भी काम करने वाले हैं वहां का वर्क परमिट होना बहुत जरूरी है। साथ में जब भी आप काम करने जाए तो अपने टूल्स को एक बार चेक कर लें कि आपके पास सही टूल्स है या नहीं है। जिस जगह काम करना है अगर वहां इसका फोल्डिंग की जरूरत है तो वो भी चेक करें, इसका फोल्डिंग इरेक्शन करवाएं वहां पर। सबसे खास बात कि जिस भी लाइन का आप काम करने जा रहे हैं उसका पॉजिटिव आइसोलेशन करना बहुत जरूरी है, तो एक बार आइसोलेशन भी आपको चेक करना चाहिए। तो कोई भी मेंटेनेंस का काम शुरू करने से पहले अगर आप बताई गई सारी चीजें चेक कर लें तो आप काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, जो लोग नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको सबसे पहले थोड़ा सा ये बताना बिल्कुल जरूरी है कि स्ट्रेनर होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे, स्ट्रेनर्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पाइपिंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम पोटेंशियल डैमेज ड्यू टू डर्ट एंड अदर पार्टिकल्स दैट मे बी कैरिड बाय द प्रोसेस फ्लूइड। सो इट इज डिजाइंड फॉर रिमूव foreign matter from pipelines and provides protection for pump, valves and other similar mechanical equipment which is called a strainer। यानी कहने का मतलब है a strainer जो है वो piping system का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटक है, component है, जो किसी भी गंदगी और अन्य कणों के कारण होने वाले संभावित नुकसान से उपकरणों को बचाता है जो प्रोसेस फ्लूइड के द्वारा ले जाए जाते हैं। यानी यह पाइपलाइन से बाहरी पदार्थों को हटाने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे पंप, वाल्व और इसी तरह के अन्य यांत्रिक उपकरणों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है जिसे हम स्ट्रेनर कहते हैं। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप ठेठ भाषा में समझ लीजिए कि स्ट्रेनर का मतलब छननी होता है। हम जिससे चाय छानते हैं वो भी एक प्रकार का स्ट्रेनर ही है। इसी प्रकार जहां मैकेनिकल इक्विपमेंट होते हैं वहां पर पाइपलाइन में स्ट्रेनर लगा दिया जाता है जिससे कुछ भी जैसे मिट्टी, पत्थर, रबर या कोई अन्य पदार्थ उपकरण के अंदर ना जाए और उपकरण खराब होने से बच जाए। तो चूंकि स्ट्रेनर के अंदर बहुत सारे बाहरी पदार्थ आकर फंस जाते हैं इसलिए समय समय पर इसका मेंटेनेंस करना होता है। तो चलिए स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द प्रेशर ऑफ अ प्रेशर गेज विच इज इंस्टॉल्ड ऑन इनलेट और आउटलेट ऑफ अ स्ट्रेनर। चेक वेदर इंटरनल प्रेशर हैज रिड्यूस्ड टू द एटमोस्फेरिक एंड वेदर इंटरनल टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड टू द वर्केबल टेम्परेचर। यानी सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि जो भी प्रेशर गेज स्ट्रेनर के इनलेट या फिर आउटलेट पर लगा है उसका प्रेशर कितना है। अगर उसमें थोड़ा भी प्रेशर हो तो रिलीज करके 0 kg प्रेशर कर देना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है। साथ साथ टेम्परेचर भी चेक कर लें कि नॉर्मल टेम्परेचर हो जिससे हम आसानी से काम कर पाए। नेक्स्ट, ड्रेन आउट कंप्लीटली बाय ओपनिंग ड्रेन वाल्व। वर्कर शुड वियर सेफ्टी गियर्स लाइक एयरलाइन मास्क व्हेन वर्क पॉसिबिलिटी ऑफ लीकिंग पॉइजनस गैस। ऑल्सो चेक ड्रेन वाल्व प्लगिंग। यानी ड्रेन वाल्व को खोलकर उसे पूरे तरीके से ड्रेन कर लेना चाहिए, और अगर लाइन में जहरीली गैसें जैसे H2S एक बहुत ही खतरनाक गैस है जिसे लगने से आदमी की मौत भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको कुछ सेफ्टी गियर्स इस्तेमाल करना होता है जैसे ब्रीदिंग अपैरेटस वगैरह होते हैं जिसे स्काबा कहते हैं, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपैरेटस, उसका यूज करना चाहिए अगर लाइन में कोई भी पॉइजनस गैस है। अच्छा ये भी चेक कर लें कि ड्रेन कहीं चोक तो नहीं है, अगर चोक हो तो उसे क्लियर कर लेना चाहिए। नाउ ओपन
नट बोल्ट ऑफ स्ट्रेनर एंड डिसअसेंबल कवर, यानी स्ट्रेनर के नट बोल्ट को ओपन कर लें और उसके कवर को हटा लें। नेक्स्ट स्टेप इज डिसअसेंबल स्क्रीन, यानी स्ट्रेनर को बाहर निकालें, जो छन्नी है स्क्रीन कह रहे हैं उसको, उसको बाहर निकालिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लीन द स्क्रीन एंड ऑल्सो केयर फॉर द स्क्रीन विच इज मोर देन 20 मेस नॉट बी ब्रोकन ड्यूरिंग क्लीनिंग। यानी अब स्ट्रेनर को क्लीन करें, इसे क्लीन करने के लिए आप वाटर या फिर स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज्यादातर हम स्ट्रेनर क्लीनिंग के लिए स्टीम का ही इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेनर का क्लीनिंग करते समय एक बात का और ध्यान रहे कि वहां पे जो भी स्ट्रेनर के तार हैं वो टूटे ना, क्योंकि टूटने से वो फिर डैमेज हो जाते हैं। नाउ आफ्टर क्लीनिंग यू शुड असेंबल अ स्क्रीन इनसाइड द स्ट्रेनर आफ्टर चेकिंग कंडीशन ऑफ अ स्ट्रेनर दैट क्लीनिंग इज कंप्लीटेड, असेंबल इट आफ्टर चेकिंग द डायरेक्शन। यानी क्लीनिंग के बाद अब आप स्ट्रेनर को अच्छे से चेक कर लें और सही डायरेक्शन देखने के बाद असेंबल कर लें। यानी क्लीनिंग के बाद अब आप स्ट्रेनर को अच्छे से चेक कर लें और सही से डायरेक्शन देखने के बाद असेंबल कर लें। नाउ क्लीन एंड चेक गैस्केट कॉन्टैक्ट साइड ऑफ कवर एंड इंसर्ट गैस्केट, यानी जो भी गैस्केट एरिया है उस फ्लैंज का, उस स्ट्रेनर के कॉन्टैक्ट साइड का, उसको अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, और अगर गैस्केट डैमेज हो तो गैस्केट भी चेंज कर देना चाहिए। नाउ असेंबल नट बोल्ट टाइट ऑलवेज डायगोनली, यानी लास्ट में आपको क्या करना है कि नट बोल्ट टाइट करना है, और याद रहे हमेशा कि जब भी हम नट बोल्ट टाइट करते हैं तो हमेशा अपोजिट साइड वाले नट बोल्ट को ही टाइट किया जाता है, ताकि जो गैस्केट है उस पे एक तरफ से ज्यादा प्रेशर ना पड़े और वो डैमेज ना हो। इसके लिए हमें हमेशा बराबर प्रेशर के हिसाब से हमेशा अपोजिट साइड के नट बोल्ट टाइट करना होता है। एंड फाइनली कीप गुड हाउसकीपिंग, यानी अंत में सब कुछ क्लियर करने के बाद आपको अच्छे से प्लांट की हाउसकीपिंग करनी चाहिए जहां भी आप काम कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे थे स्ट्रेनर क्लीनिंग के बारे में, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाने से पहले बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगे इसी प्रकार की आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।